हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं डिजिटल ट्रेनिंग चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आंध्रा नेट बैंकिंग में एक्सटर्नल फंड ट्रांसफर या फिर इंटरनल फंड ट्रांसफर से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, ये सारे मैं आज आपकी दूर कर दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है दोस्तों, लेकिन आप ध्यान से देखिए। इसमें मैं आपको फंड ट्रांसफर करके भी बताऊंगा और जो भी पे को ऐड करते हैं, जिनको पैसा भेजते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको समझा दूंगा, आप ऐड कर लेंगे। दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर पॉइंट में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लिंक मैंने यहाँ पे टाइप किया है अपने ब्राउजर में, ये लिंक आप टाइप कर दीजिए। ये आंध्रा बैंक का जो है यही साइट है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ रिटेल यूजर लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा लॉगिन करने के लिए। फिर यहाँ पे आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, इसमें कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे यूजर आईडी आपकी टाइप कर देनी है, आपके पासबुक में लिखी होगी। और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड, अगर आपने अकाउंट बनाया है तो आपका लॉगिन पासवर्ड जो है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और दोस्तों, जब भी आप बैंकिंग करें तो यहाँ से आप जो ये ऑप्शन देता है कीबोर्ड का, यहाँ से ये कीबोर्ड यूज करके ही आप बैंकिंग करें, आपके लिए सेफ रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको ट्रांजेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि आप पैसे कैसे भेजें। तो लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, ये हमारी प्रोफाइल देख सकते हैं, ओपन हो गई है। दोस्तों, प्रोफाइल खुलने के बाद यहाँ फंड ट्रांसफर का जो ऑप्शन दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जब इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं फंड ट्रांसफर के। या तो आप यहाँ प्रोसीड टू फंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, तभी ये सारे ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे। तो मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। इंटरनल सेफ फंड ट्रांसफर, यानी कि अगर आपका ही कोई दूसरा खाता इसी ब्रांच में है आपका, तो यहाँ से आप जो है ऐड कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं माई अकाउंट और माई अकाउंट, ठीक है, दोनों जो है आप ही का अकाउंट दे रहा है, ठीक है। यहाँ से आप ऐड करके और जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे IFSC वगैरह आपका नहीं पूछेगा, आप डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कर सकते हैं अपने सेल्फ अकाउंट में। चलिए, ये दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इंटरनल थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ से दोस्तों, अगर किसी और पर्सन का, दूसरे पर्सन का अगर अकाउंट आंध्रा बैंक के ही ब्रांच में है दोस्तों, तो यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ ऐड पे का ऑप्शन दे रहा है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पे है वो ऐड हो जाएगा, उसके बाद उसको आप पैसे भेज पाएंगे। तो नीचे आपका ये लिस्ट जो दिया हुआ है देख सकते हैं, ऐसे ही आपका जो है ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आप नेक्स्ट पेमेंट पे क्लिक करके आप पैसे भेज सकते हैं। चलिए, मैं पहले ऐड करने के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। दोस्तों, अकाउंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं दे रहा है टाइप करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, और उसके बाद वैलिड पे क्लिक करना होगा। आपको सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको वैलिड पे क्लिक कर देना होगा, उसके बाद ऐड पे करना होगा। चलिए, यहाँ पे नाम ऐड कर दीजिए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे IFSC कोड नहीं मांग रहा है, क्योंकि ये उसी ब्रांच का आप ऐड कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। चलिए, अब ये IMPS फंड ट्रांसफर का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है आपको। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, IMPS फंड ट्रांसफर, यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको फंड ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आपका अकाउंट नंबर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जो है जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं उनका अकाउंट नंबर इसमें शो करेगा, अगर आप एक्सटर्नल पे में उनको ऐड किए रहेंगे तब। चलिए दोस्तों, अमाउंट और यहाँ से सेलेक्ट में जो भी आप पे का फैमिली है अगर आपका, या फिर अदर सेलेक्ट कर दीजिए, अदर बेस्ट रहता है किसी भी काम के लिए आप पैसे भेज रहे हैं तो। और उसके बाद पैसे यहाँ से भेज सकती हैं। चलिए दोस्तों, आपको मैं अब एक्सटर्नल फंड ट्रांसफर के बारे में बता देता हूँ, ये ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। ये एक्सटर्नल फंड ट्रांसफर जो है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको मैं डिटेल से बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये है ऐड एन एक्सटर्नल पे, यानी कि दोस्तों अगर आप इसमें पे को ऐड करते हैं तो उसको IMPS के द्वारा पैसे भेज सकते हैं। ये पैसे डायरेक्ट उनको तुरंत मिल जाते हैं, जैसे ही आप पैसे भेजते हैं तत्काल उन्हें रिसीव हो जाएगा। और अगर नेफ्ट और RTGS अगर करते हैं तो इसमें ऐड करने के बाद दोस्तों ये दोनों ऑप्शन से, ये तीनों ऑप्शन से आप पैसे भेज सकते हैं। नेफ्ट दोस्तों हम 2 लाख से नीचे करते हैं, 2 लाख से अंडर अगर आपको पैसे भेजने हैं तो नेफ्ट कर सकते हैं, और अगर 2 लाख से ज़्यादा पैसे भेजने हैं तो आपको RTGS करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐड करने के लिए आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। जब इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं पे का नाम, अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए, और लिमिट, यहाँ पे जो भी आप लिमिट रखेंगे उतना ही पैसा उनको भविष्य में आप भेज पाएंगे। अगर 1 लाख रखें तो 1 लाख से ज़्यादा आप नहीं भेज पाएंगे, तो जितना आपको जिसको भेजना हो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों, इसमें से दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है, तो IFSC कोड पे सेलेक्ट कर लीजिए, और इसमें IFSC कोड जब आप टाइप करेंगे तो फिर आपको सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे जो भी उनका अकाउंट है, करेंट है, सेविंग है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ एक बार गेट ब्रांच पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारी इनकी डिटेल्स दिखाएगा कि किस ब्रांच में इनका अकाउंट है। ये सारी डिटेल्स आप देख लीजिए दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों आपको जो है ऐड करने के लिए देगा, फिर ऐड कर लीजिए। चलिए, अब दोस्तों फिर मैं एक्सटर्नल फंड ट्रांसफर पे क्लिक करता हूँ, फिर वही ऑप्शन सारे खुल जाते हैं दोस्तों। यहाँ से भी वही ऑप्शन देगा, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप पैसे किसी को भेज पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ फंड ट्रांसफर करने के लिए। तो दोस्तों, आप जब आप IMPS पर क्लिक करते हैं
फंड ट्रांसफर करने के लिए पहले आपको ऐड कर लेना होगा। मैं ऐड करने के लिए आपको सिर्फ बताया हूँ, ऐड नहीं किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला वाला बॉक्स है, इसमें आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना होगा। और ये दूसरा वाला बॉक्स जो है दोस्तों, यहाँ पे पे का यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने एक्सटर्नल पे में ऐड कर लिया होगा तो इसमें उनका अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें अमाउंट टाइप कर दीजिए, जितना भी आप पैसा भेजना चाहते हैं इसमें अमाउंट टाइप कर दीजिए इस वाले बॉक्स में। और इसके बाद दोस्तों ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इसमें सेलेक्ट वाले बॉक्स में जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें दोस्तों आपको पर्पस पूछेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली वगैरह अदर भी नीचे दे रहा है, तो फैमिली या फिर जिसको भी पैसे आप भेज रहे हैं अदर कर दीजिए या फैमिली कर दीजिए। अदर करेंगे तो आप किसी को पैसे भेज सकते हैं उससे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे सबमिट शो कर रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको वन टाइम पासवर्ड पूछा जाएगा, आपके नंबर पे भेज दिया गया होगा, आप अपने मैसेज में देख करके उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मैंने अपना वन टाइम पासवर्ड टाइप कर दिया, अब मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे वो डिटेल्स आपको शो कर रही हैं, सारी डिटेल्स जो आपने जिसको पैसे भेजना है आप वो सारी डिटेल्स यहाँ से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि मैंने सही भरा है या नहीं भरा है, ठीक है। सारी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड टाइप करना होगा, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना होगा। चलिए मैं अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड इसमें टाइप कर देता हूँ, ये दोस्तों फिल कर दिया मैंने। अब यहाँ ओके पर मैं क्लिक कर दूंगा, हमारा फंड ट्रांसफर सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है हमारा रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे शो कर रहा है, आप चाहे तो नोट कर लें या फिर ओके बटन पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे प्रिंट आउट का भी ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं क्लिक होम में जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, सेव कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से दोस्तों सेंड मेल किसी को मेल कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी आप कर सकते हैं। तो आपको प्रिंट करना है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ से होम में चलता हूँ। यहाँ पे दोस्तों होम में आने के बाद फंड ट्रांसफर पे आपको क्लिक करना होगा, इंटरनल फंड ट्रांसफर यानी कि बैंक से बैंक में किसी थर्ड पार्टी को यानी तीसरे पर्सन को पैसा भेजने के लिए उसी बैंक में अगर खाता है तो। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल से थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर पे जब मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं ये वाला पेज ओपन हो, यहाँ मेरा पेज ऐड है, इसको मैं क्लिक कर दूँगा। दोस्तों यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर शो करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जिनको पैसे भेजने उनका अकाउंट नंबर शो करेगा, ये सारी डिटेल्स आप देख लीजिए। और उसके बाद नीचे आपको अमाउंट भरने का ऑप्शन देता है, इसमें आप अमाउंट जितना भेजना है उतना टाइप कर लीजिए। उसके बाद रिमार्क का ऑप्शन नीचे आपको दे रहा है, इसमें रिमार्क जो भी आपको रिमार्क करना है LIC वगैरह जिस कंपनी पैसे भेज रहे हैं, उसके बाद ट्रांसफर पे आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए दोस्तों ये सारी डिटेल्स मैं भर लेता हूँ, उसके बाद ट्रांसफर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने सारी डिटेल्स भर ली, अब मैं ट्रांसफर पर क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों आपके नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा होगा, यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में टाइप कर देना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। मैं इसमें अपना वन टाइम पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। दोस्तों अब मैंने वन टाइम पासवर्ड टाइप कर दिया है, अब मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, इस वाले बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपसे आपका जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो यहाँ पे मांग रहा है, इसमें फिल करने के बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, अब मैं ओके पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपका फंड ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर आपको शो करेगा, चाहिए तो उसको नोट कर लीजिए या फिर ओके पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंट आउट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से प्रिंट आउट कर लीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको आंध्रा बैंक नेट बैंकिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।